Hello everyone, welcome to the Common Sense Achiever platform. This is the continuous series of PGBP chapter, and today with this session we are going to discuss again a very important section 44ADA. So we already learned about what is presumptive basis and why this presumptive option is came before the SSCs, what are the benefits we already discussed. So we already gone through all these things, and today we are going to proceed further with section 44ADA and we will discuss in both the languages. So हमने अभी तक ये देख लिया भाई presumptive business होता क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई इस presumptive business की, ठीक है। तो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया हमारे लास्ट सेशन में, जहाँ पे हमने सेक्शन 44AD को काफ़ी डिटेल में कवर अप किया था। आज हम 44ADA को करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले 44AD को करें, उसके बाद आप ADA को करें। ऐसा क्यों बोला मैंने, इसीलिए कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो ब्रीफ आइडियाज़ हैं वो वहाँ पर आपको शेयर कर दिए थे। अदरवाइज ये दोनों सेक्शन का आपस में ऐसा नहीं है कि कोलिंक नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि ADA पहले नहीं पढ़ सकते हो या AD पहले नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जो भी सेक्शन चाहो वैसे पहले पढ़ सकते हो, बट वीडियो सेशन में मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उस सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ पॉइंट्स भी आपको शेयर किए थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 44ADA के बारे में, जो कि प्रोफेशन से डील करता है, ठीक है। सो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा हमारा ये सेक्शन। सेक्शन 44ADA ये एप्लीकेबल है रेसिडेंट, ध्यान देंगे रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है, बट LLP पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तुरंत एक बार रिकॉल करते हैं AD में क्या पड़ा था, वहाँ पे कुछ था HUF करके जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऐसे रिकॉल करते जाएंगे, लास्ट में ट्री डायग्राम करेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन होता है ना वो आपका नेगलिजिबल होता चला जाए। मेरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, क्यों सेक्शन में आया ये भी क्लियर हो, और डॉट्स कनेक्ट करना सीखे ताकि रटने की ज़रूरत आपको ना पड़े, ठीक है। न्यूमेरिकल हम सेपरेट सेशंस के थ्रू करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे डिस्कस करके क्लियर करेंगे। सो रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट ही पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, लेकिन LLP के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंगेज्ड इन एनी प्रोफेशन, वेरी वाइड लैंग्वेज यूज किया, एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड सेक्शन 44AA सब क्लॉज 1 के अंदर, लेकिन नेम भी मेंशन कर दिया। देख लेते हैं, लीगल वर्क, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, और नोटिफाइड प्रोफेशन। व्हाट इज नोटिफाइड प्रोफेशन? सो दीज आर नोटिफाइड बाय द CBDT टाइम टू टाइम, ओके। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, profession of information technology. So these are currently as a specified list. With the new case studies we may come across some more changes, and if there is any amendment, any update, I will definitely share with you, okay. So we learned about it is applicable to the resident individual and resident partnership firm only, no LLP, no HUF, clear? तो ये profession है, क्या ये याद करने पड़ेंगे? यस, ये थोड़ी सी लिस्ट है, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, ये लिस्ट को याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है। एलिजिबल बिजनेस का, सॉरी यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर लेंगे प्रोफेशन। एलिजिबल प्रोफेशन क्या होता है? सो एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सब क्लॉज 1 हुज ग्रॉस रिसीट इज इक्वल टू लेस देन 50 लाख इन अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा जो प्रोफेशन हमने ऊपर डिस्कस किया, एक लिस्ट डिस्कस करी, उसका ग्रॉस नेट नहीं है, याद रखना। ग्रॉस रिसीट की बात करी है, इक्वल टू और लेस देन 50 लाख है इन द रिलेवेंट प्रीवियस। अब आप कहोगे मैम मैंने एक जगह पढ़ा था वहाँ पे बोला था एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ये खेल है शब्दों का, आपको एक ही शब्द पकड़ के चलना है, उसी को रिवाइज करना है और उसी के फॉर्म में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, दोनों का कंक्लूजन एक ही होगा, आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्विस्टेड होके आएगा, ठीक है। सो एनी प्रोफेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA सब क्लॉज 1 हुज ग्रॉस रिसीट इज इक्वल टू लेस देन 75 लाख, अगर इससे कमती है तो आप 44ADA का बेनिफिट ले सकते हैं। इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इफ एग्रीगेट कैश रिसीट in the relevant previous year is equal to or less than 5% of total gross receipt. अब इसमें से भी आप बोल दोगे मैम मैंने तो exceed 5% बोला था, भाई exceed हो गया ना 5% से, तो ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसने बोला कैश रिसीट जो है ना वो आपकी इक्वल टू या लेस देन होनी चाहिए 5% से। अगर ऐसा है तो 75 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप 50 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इन इफेक्ट इफ द ग्रॉस रिसीट ऑफ अ प्रोफेशन इज मोर देन 50 लाख बट इक्वल टू और लेस देन 75 लाख। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ 44AD कैन बी अवेल्ड only if aggregate cash receipt in relevant previous year is equal to less than 5% of the total gross receipt। एक केस स्टडी में इसको भी क्लियर किया कि रिसीट भी लिया है और पेमेंट भी देखी जाएगी। ठीक है, दोनों मिला के। फॉर दिस पर्पज द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बाई ए चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाई बैंक ड्राफ्ट। तो चेक बन गया या बैंक ड्राफ्ट बना लेकिन अकाउंट पे ही नहीं था तो कैश मान लिया जाएगा, अगर अकाउंट पे ही है तो कैश नहीं माना जाएगा। तो फिर से रीड करूँगी टर्म को। फॉर दिस पर्पज द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स बाई अ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाई अ बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पेई वुड बी डीम टू बी दी रिसिप्टेड कैश। तो डीमिंग प्रोविजन लगे, उसे मान लिया जाएगा वो कैश रिसिप्ट है अगर वो अकाउंट पे नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, ये इसका कंक्लूजन है तरीके से कि अगर आप जो प्रोफेशन में फॉल करते हैं और अगर आपका जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा है, 50 लाख की लिमिट चेक करना, 5% के इक्वल टू या लेस है तो 75 लाख की लिमिट आपको मिलेगी। लेकिन अगर 60 लाख है तो फिर भी आप इसी क्लॉज में आओगे, आपका 5% से कम कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? क्या अमाउंट होगी जो प्रिजम्पटिव इनकम हो जाएगी? 50%। जो भी आपका ग्रॉस रिसीट है ना उसका 50% ये आपकी इनकम होगी। लेकिन और सम हायर देन अफोर्सेड सम क्लेम टू हैव बीन अर्न बाय द एसएससी, अगर आपने बोली मेरे पे ज़्यादा है तो वो इनकम हो जाएगी। सिंपल फंडा। अदरवाइज जो 50% है ग्रॉस रिसीट का, ग्रॉस पे जोर दे रही है क्योंकि कन्फ्यूजन देखी गई है, ग्रॉस पे ध्यान देना है। जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% वो आपकी इनकम बन जाएगी। ऑडिट करने की ज़रूरत है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? जनरली नहीं। इफ़ एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44ADA ही और शी इज़ नॉट required to maintain books of account under section 44AA or get them audited under 44AB exception. However, if the SSC claims his profit to be lower, अगर उसने कम की प्रॉफिट दिखाया, then the profit computed by applying the presumptive rate. इसने बोला भाई जो हमारा 50% रेट है उससे लोअर दिखाया, then he has to maintain the books of account and other documents under section 44AA subclause 1 and get his account audited under 44AB if his total income exceed the basic exemption limit of that particular year. Clear? So इस केस में आपको applicable हो जाएगा books of account and audit करना। क्या हम अदर खर्चों का बेनिफिट भी ले? अरे भाई ये जो 50% है ना ये मान लिया गया है, सारे एक्सपेंस एडजस्ट है ऑलरेडी, अब नया कुछ नहीं एडजस्ट करने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी मान लिया गया है। ठीक है, अब आपसे बुक्स भी नहीं बनवा रहे, ऑडिट भी नहीं करवा रहे हैं, आपके दोबारा एक्सपेंस लोगे नहीं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में अंडर सेक्शन 44AD के टाइम में। डिडक्शन नॉट अलाउड एज अ एक्सपेंस, डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 to 38 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट टू एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड इवन इन केस ऑफ फर्म सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू अ पार्टनर नॉट डिडक्टेबल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा 15 मार्च तक। WDV ऑफ दी एसेट कैसे कंप्यूट करेंगे? एकदम नॉर्मली आपको एसेट कंप्यूट करना है, डेप्रिसिएशन लगाना और उसका WDV निकाल देना है। WDV ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस प्रोफेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ एलिजिबल SSC हैड क्लेम्ड एंड हैड बीन एक्चुअली अलाउड डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट। एकदम नॉर्मल कॉम्पिटिशन करेंगे लेकिन एक्सपेंस का डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेगा। क्लियर? वंस अगेन ओके, आई होप इट्स क्लियर। ज़्यादा इसमें और कुछ डिस्कशन है नहीं, न्यूमेरिकल को हम सेपरेटली कवर अप करेंगे एंड आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका हो, कोई डाउट ना रहा। अगर थोड़ा बहुत रहता है तो हम उसे न्यूमेरिकल के टाइम में और डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे और स्टिल उसके बाद कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, पूछ के क्लियर करेंगे। ठीक है, कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कोई अमेंडमेंट्स, अपडेट्स या चेंजेस होंगी उसे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहे और इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।